बिहार पुलिस में लगातार नई नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा इस वर्ष कई सारे पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें ईआरएसएस फेज 1, ईआरएसएस फेज 2 और जनसंख्या के अनुपात में पदों की स्वीकृति दी गई थी। कुल 75,543 पदों की स्वीकृति दी गई। ईआरएसएस फेज 1 और फेज 2 में लगभग 13,000 पदों की स्वीकृति दी गई थी और पुराने बैकलॉग पदों को जोड़कर 21,391 कर्मियों की जो बहाली होनी है, जो परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो गई। बाकी जो 48,447 पद बचे हुए थे, उसमें से अगले साल की बहाली की प्रक्रिया तैयार करने की दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई कर ली। अगले साल उनमें से 24,269 इन पदों को रिलीज करने के लिए गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने स्वीकृति मांगी। उन 24,269 जो पद हैं, उसमें सिपाही और समकक्ष पद हैं 19,469, सिपाही चालक के 2,800 पद हैं और दरोगा पुलिस अवनिरीक्षक और उसके इक्विवेलेंट जो कैटेगरी है उसके 2,000 पद। यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्तियां की जाएंगी। और दूसरा, जो हमारी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की याचना निकलनी थी, कर्मचारी चयन आयोग ने सूचना दी है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही दरोगा बहाली से संबंधित विज्ञापन निर्गत कर दिया जाए। तो सिपाही और दरोगा का वर्तमान विज्ञापन और अगले साल की भरपूर तैयारी करते हुए 24,269 पदों पर हम लोग नई बहाली के लिए सरकार की अनुमति मांग रहे हैं। इसमें बिहार पुलिस का और बिहार सरकार का जो निर्देश है उसके अनुरूप स्वीकृत पदों पर जल्द से जल्द बहाली हो, नियुक्ति हो, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।